सोचने की बात तो ये है कि आखिर कौन है जिसे लगता है कि जेएनयू ने उनके नाक में दम कर रखा है? वो कौन लोग हैं जो जेएनयू को पसंद नहीं करते? क्यों नहीं करते? ऐसी क्या बात है जेएनयू में जो आपको इतनी नापसंद है? जेएनयू के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग राष्ट्र विरोधी हैं। अरे राष्ट्र विरोधी कौन है जो सिर्फ प्रश्न पूछने की जैसे प्रणाली हो? अरे किसी अध्यापक से आप पूछें कि कितनी मुश्किल से हम अपने छात्रों को सिखाते हैं कि वो प्रश्न पूछें, और जब वो पूछते हैं तो क्या हम उन्हें राष्ट्र विरोधी कहलाएंगे? प्रश्न पूछने में कौन सी खराबी है? हाँ ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कुछ कुछ आपकी पद्धति में या प्रशासन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो ठीक है, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, डिस्कस कीजिए हमारे साथ। लेकिन अगर बिना डिस्कशन किए अगर आप अपने ही कहे पे चाहें कि हम लोग चलें, ये तो हमारी टीचर्स की बेइज्जती है ना। किसी अध्यापक ने इतने सालों के बाद एक और एक तरीका निकाला है अपने क्लास को चलाने के लिए, उसके कुछ तो सुने हैं कि उसने ये तरीका क्यों निकाला है, कैसे निकाला, वो क्यों चाहते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन यूनिट जेएनयू में ही हो, कि हमारे स्टूडेंट्स को बार बार हर एक चीज़ के लिए पुलिस में ना जाना पड़े, वो क्यों चाहते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो तरीके हैं, जो हमारे अपने जो असेसमेंट के तरीके हैं, उन्हें आप फेंक कर आप ये कंपलसरी अटेंडेंस जो लाना चाहते हैं, इसका क्या प्रभाव होने वाला है? क्या हम लोगों ने अटेंडेंस लाने की पहले कोशिश करी नहीं करी है क्या? तो वो क्यों नहीं, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? ज़रा सुने हमारी बात, और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये हो सकता है, वाजिब है, तो ठीक है, डिस्कस कीजिए ना, लेकिन ये क्या तरीका हुआ?